हेलो नमस्कार साथियों। तो अभी मैं हूँ गडगू में, और अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे हमारे जो माहेश्वरी मत्स्यजीवी सहकारी समिति है वहाँ पे कार्य कर रही है। तो अभी हम उन्हीं की साइड पे आए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ यहाँ का व्यू है, ये इनके रेसवेज बने हुए इधर, और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सारे रेसवेज में इनकी ट्राउट मछलियाँ पल रही हैं, कुछ में ब्रूडर हैं जिससे ये मछली का बीज तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं ये, और ये सब इनकी जो बेचने लायक मछलियाँ हैं, कुछ इसमें भी इनकी। इसमें इनकी मछलियाँ हैं, आप देख सकते हैं इधर। काफ़ी अच्छा काम कर रही है इसमें समिति, और बहुत ही अच्छी जगह पे सिचुएटेड है। तो ये जो समिति है ये रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड उखीमठ के गड़गू गांव में मौजूद है, और ये यहाँ का लास्ट गांव भी है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर इनके द्वारा ट्राउट फिश फार्मिंग का कार्य किया जा रहा है। और जो ये समिति है, समिति के द्वारा हर साल ट्राउट मत्स्य का जो बीज होता है उसको भी तैयार किया जाता है, और ये राज्य के अन्य जिलों के फार्मर को भी यहाँ से सीड सप्लाई किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, चाहे सीड की बात हो चाहे मछली की बात हो, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जो ये समिति है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हम आपको नीचे से भी दिखाएंगे नज़दीक ले आके। इधर से ये नहर आ रही है, इधर से आगे कौन, चलो आगे से। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे जो पानी का हेड है इनका, ये यहाँ पे क्यार गाड़ है, और क्यार गाड़ से पानी लेके आ रहे हैं ये पाइपलाइन के माध्यम से, और यहाँ पे इनके द्वारा ये पंप भी लगाया गया है, मोटर लगाई गई है। कभी कभी बरसात में अगर ज़्यादा गंदा पानी आता तो यहाँ से इससे पानी वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। तो कुछ इस तरह से ये पानी इस नहर में आता है, और यहाँ से फिर ये रेस वेस के लिए चला जाता है। ये सब इनके द्वारा खुद ही धो रखे हैं। तो ये इतना ग्रीन कलर कैसे हो गया इसका, नेचुरल पानी में पानी। अच्छा फिर ये रेत है ना, भागी सुरक्षित जगह भागी। उल्लू आ रहा है ना रात को। अच्छा उल्लू की उदबिलाव, उल्लू उदबिलाव भी है, उल्लू भी है। अच्छा आतंक में जाना चाहिए ये जो कलर हो रखा ना, ये हाँ कम है ना इसमें क्वांटिटी। अच्छा तब उसके ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इनकी ट्राउट मछली है, और कितना कितना पानी लगा रखा है उन्होंने एक रेस्ट्रिज के लिए। कम से कम इनके द्वारा 6 इंच के करीब पानी एक रेस्ट्रिज में है, और ये हमारे जो किसान है वो देखिए राणा जी, ब्रूडर है ना सारे, ये ब्रूडर है, इन्हीं से जो ये अपनी हैचरी में मछली का बीज तैयार करते हैं, तो इन्हीं ब्रूडर से करते हैं। और कितने हेल्दी ब्रूडर आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत इनका कलर देख सकते हैं। ये कितने किलो की हुई है, ये लगभग 3.5 साढ़े तीन किलो।
टोटल ब्रूडर की कितने ब्रूडर हैं आप प्लस? अंदाजा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा ये छोटी है ना, ये सब बिक्री वाली है ना, बेचने वाली है। ओके अच्छा ठीक है ठीक है। अभी कितना साफ हो पाया? अरे ये सब ये सोच रही चारे के लिए ना, चारा सोच के आ गया। ओवर है, स्टॉक है ना, ये तो ओवर है, सब है, सब ओवर हो रही है, तो टैंकी का सीधी बताई ज़्यादा है। हाँ वो तो सफाई हो रहे हैं, अब धीरे धीरे सफाई कर दे। और ये सारी बिक्री वाली मछलियाँ ना, उद्देश्य में होगी अभी की ब्रूडर छटाई होगी, अभी ब्रूडर छटाई होगी इसमें। और वैसे अब इनका वेट कितना हो जाएगा? इसमें वेट होगा मेरे ख्याल से समथिंग, या अभी ये कुछ तो छोटी है ना। अच्छा अच्छा, कुछ आधा किलो, कुछ सोना किलो, ऐसे ही होगा। ठीक है ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया इन्होंने अपने फार्म को बनाया है, कितना अच्छे से इनको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये देखिए पूरा साफ पानी, आप एक एक मछली देख सकते हैं इसमें कितनी सफाई इन्होंने करी हुई है। ये देखिए एक एक मछली को आप देख सकते हैं, देखिए कितना साफ पानी है। मेरे साथ हमारे फार्मर हैं कुंवर सिंह जी, ये हमारे समिति के अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही मेहनती हैं। रुद्र प्रयाग में ट्राउट का पूरा वो करने के श्रेय इन्हीं को जाता है। हमारे ट्राउट फार्मर कुंवर सिंह जी बहुत ही मेहनती फार्मर, कई जगह इनको पुरस्कार भी मिल चुका है और बहुत मोटिवेट भी करते हैं लोगों को। अरे खूब सब ने मेरे को ऐसे ही तोड़ा कि राणा जी मछली मत खाओ तो मैंने कहा आपका समझी खा लेता हूँ, खाऊंगा ही। रेनबो ट्राउट क्या शानदार साइज है, कितनी हेल्दी है, इधर पकड़ो इधर पकड़ो। ना और कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है इसको। ओहो ये आवाज यही कर रही है। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये था गडगू का माहेश्वरी मत्स्यजीवी सहकारी समिति के जो ट्राउट फार्म है उसका विजिट। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो आप लोग आ सकते हैं, गडगू गांव है और काफ़ी अच्छी जगह है, आ सकते हैं आप लोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।